भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के साथ कासगंज में लोकसभा चुनाव को तेज रफ्तार देने के लिए विजय जनकल्याण जनसभा के तहत कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इस दौरान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने जहां मोदी सरकार की 5 साल की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया, तो वहीं प्रत्याशी राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया को जिताकर मोदी के हाथ मजबूत करने की अपील की। उनकी जो हालात है उस पे कभी अपनी नजर या सहानुभूति दिखा सकते हैं या तुष्टीकरण की राजनीति करें। मोदी जी ने कहा ये नहीं होएगा, इनको भी समानता, लिंग समानता मिलनी चाहिए, इनको भी इज्जत मिलनी चाहिए, इसलिए वो ऑर्डिनेंस लेकर आए। हिम्मत है तो आ गया। ये मुस्लिम महिलाओं के लिए किया जिसको कहा जाता है कि वो वोट नहीं डालते, इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अनेक चीजें हैं दोस्तों, मोदी जी के खिलाफ उनको लगा कि कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो रफेल उठा के करने लगे, क्योंकि नेहरू जी से जब से सरकारें बनी है, कांग्रेस की बनी है, चाहे नेहरू जी की हो वो जीप घोटाला, कहीं इंदिरा जी की बनती है ऑयल घोटाला, राजीव गांधी की बनती है तो बोफोर्स घोटाला, UPA 1 UPA 2 बनती है जिसको पीछे से सोनिया गांधी जी चला रही थी, उसमें अनेक घोटाले सामने आए, 2G आया, 3G आया, कॉमनवेल्थ गेम आया, दमाद जी आया, सब घोटाले आ गए। राहुल गांधी को परेशानी कि इतना 5 साल निकल रहा है कोई घोटाले नहीं, तो रफेल का शगुफा लेकर आ गए। वो भी जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, CAG ने निरस्त कर दिया, उनको लगा ये भी मुद्दा जा रहा है, तो उन्होंने आनंद फानंद में कल एक और निर्णय सुना, कहा कि जो गरीब है 5 करोड़ ऐसे परिवार, उनको हम 6,000 रुपया प्रति माह, जिसको उन्होंने कहा 72,000 रुपया प्रति साल हम देंगे, 6,000 प्रति माह के हिसाब से प्रतिदिन बनता है 200। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो पैसा किसी को नौकरी नहीं होगी या कुछ काम नहीं कर रहा होगा, वो बैठा होगा तो उसके घर भिजवा दूंगा। उन्होंने कहा कि जिसकी आमदनी है उसके ऊपर जो कमी हो रही है उसको हम पूरा करेंगे। अब उनका चयन कैसे होगा, क्या होगा, वो किसी को नहीं बताया, मगर आप सोचो, आप किसी एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो।